हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 13.1 ऑफ योर चैप्टर सिमेट्री। दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर सिक्स मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन से। लिस्ट एनी फोर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। ओके, आपको क्या करना है, इसे लिस्ट करना है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सो द फोर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर ब्लैक बोर्ड, टेबल टॉप, टेबल का जो टॉप पोर्शन है वो, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड कंप्यूटर डिस्क। ओके, कंप्यूटर डिस्क जो होती है यहाँ पर क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। देखिए आप, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको सेम दिखाई देगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए। फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। सो यहाँ पर L1 दिया है, L2 दिया है, इनमें से कौन सी यहाँ पर मिरर लाइन है हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेता हूँ L1 को, तो यहाँ पर इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, तो L1 यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन नहीं हो सकती। अगर L2 अगर मैंने देखा, देखिए यहाँ पर मैंने मिरर प्लेस किया, तो मुझे यही डायग्राम दिखेगी। सो L2 इज द मिरर लाइन ऑफ द फिगर। व्हेन गिवन फिगर इज फोल्डेड अबाउट द लाइन L2, द लेफ्ट पार्ट एग्जैक्टली कवर द राइट पार्ट एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया है एक यहाँ पर लॉग दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये सिमेट्रिकल यहाँ पर हो रहा है, करेक्ट ना। सो ये सिमेट्रिकल फिगर है। देन अगेन यहाँ पर एक ग्लास है, तो देखिए यहाँ पर ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, जितना पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है वही यहाँ पर सिमिलरली दिख रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इस फिगर को ड्रॉ करूँ इस डायरेक्शन, तो ये सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे भी नहीं हो रहा है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया तो वैसे भी नहीं हो रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन देखिए। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो पोर्शन हमें ऐसे दिख रहा है तो वही पोर्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फॉर अगेन नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर वाला पोर्शन सिमिलर दिख रहा है नीचे वाले से। ओके, सिमेट्रिकल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मिरर प्रेस करता हूँ तो वही मुझे दिखाई देगा। फॉर दिस वन देखिए, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ जाएगी, तो ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कौन सा हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये पोर्शन यहाँ पर सिमेट्रिकल हो जाएगा, करेक्ट। अगेन देखिए, यहाँ पर भी हो जाएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर भी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, एंड यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे देर आर मेनी ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में आ रही है। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। कॉपी द फॉलोइंग एन स्क्वेयर पेपर। अ स्क्वेयर पेपर इज वॉट यू वुड हैव यूज इन योर अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। आपने टेबल्स लिखने के लिए यूज किया था ना, यस। सो देन कंप्लीट देम such that the dotted line is the line of symmetry। यहाँ पर dotted line जो है यहाँ पर line of symmetry बन जाए, ऐसे figure बनानी है। तो students, first one के लिए देखिए क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर dotted line ऐसे अगर draw करता हूँ, ठीक है, so dotted line, तो ये figure something ऐसे मुझे मिल जाएगी, करेक्ट। तो आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। देन आफ्टर दैट ये फिगर हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये फिगर है, समथिंग इज लाइक दिस। ओके, तो डॉटेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो ये फिगर मुझे ऐसे मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट देखिए, अभी सी यहां पर है, तो सी पोर्शन का हमें यहां पर क्या करना है, सिमेट्रिकल लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है। ओके, सो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, ये जो फिगर्स उन्होंने दिया है यहां पर समथिंग ऐसे है। ओके, देन यहां पर आगे एक, देन आगे टू लाइंस नीचे यहां पर ऐसे, देन अगेन यहां पर थ्री लाइन से। ओके, यहाँ पर एक जस्ट करेक्शन कर लीजिए, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री समथिंग यहाँ से आएगी, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर बन गई। तो इसका सिमेट्रिकल फिगर्स हम बनाते हैं, देखिए इसका सिमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पर ऐसे आएगा। ओके, सो वन ऊपर एक, देन आगे यहाँ पर, देन टू लाइन्स यहाँ पर आ जाएगी, एक वन लाइन यहाँ पर, एंड ये कंप्लीट यहाँ पर बन गया। ओके, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सो मेक अ करेक्शन इन योर नोट, आपके बुक में भी आप करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये डी वाला फिगर है, सो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर आ जाएगी इसकी, तो ये शेप समथिंग ऐसे हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिकल शेप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिमेट्रिकल शेप आ गई। देन आफ्टर दैट ये शेप है, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पर है, ऐसे समथिंग उन्होंने ड्रॉ किया है, तो इसका सिमेट्रिकल फिगर लाइन यहाँ पर आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिकल आप ऊपर ड्रॉ करेंगे। ओके, ऐसे आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स है ना, तो यहाँ पर ड्रॉ करना है ना, आप ऐसे समथिंग यहाँ पर ड्रॉ करोगे। ओके, देन आफ्टर दैट फॉर दिस वन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
ये समथिंग फिगर ऐसे बनेगी, ओके करेक्ट। तो इसका हमें सिमेट्रिकल पोर्शन बनाना है, सो दैट्स व्हाई देखिए यहाँ पर टू लाइंस, अगेन टू लाइंस नीचे, देन यहाँ पर ऐसे, ओके टू लाइंस, देन कम स्ट्रेट अगेन एंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर आना है ऊपर, देन हाफ एंड कंप्लीट, ओके। तो ये आपका सिमेट्रिकल पोर्शन बन गया, ओके। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एल क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक अ सिस्टम, यहाँ पर सिमेट्री हमें बनानी है, ओके। सो स्टूडेंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी और ये बनेगी, ओके। तो ये हमारी डायग्राम बन गई। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द बिलो फिगर इज द कंप्लीट डायग्राम टू मेक द सिमेट्रिक, यहाँ पर आपकी आंसर डायग्राम बन गई, ओके। नेक्स्ट इफ द लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिक, यहाँ पर सिमेट्रिक दिखने के लिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी, तो इसका आंसर बनता है ऐसे, ओके। तो हमें क्या करना है, ऐसे सिमेट्रिकल के लिए ऐसे डायग्राम बनानी पड़ेगी, ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, सो दैट्स वाई इट्स लुक अ सिमेट्रिकल, द रिक्वायर्ड ट्राइंगल मे बी ड्रॉन एज द फॉलोइंग, जैसे आपको दिखाया, ओके। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.1 यहाँ पर एंड हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।